हेलो ब्रो, आज की जो वीडियो है वो अपनी पूरी होने वाली है पेनक्रियास के डेवलपमेंट के ऊपर। और देखो, पेनक्रियास के डेवलपमेंट से पहले अगर तुमने मेरी फोरगट की डेवलपमेंट की वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले वो वीडियो देख लो। उस वीडियो का लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि तुम अगर फोरगट के डेवलपमेंट पता है तो तुम पेनक्रियास का डेवलपमेंट और अच्छे समझ में आएगा। उसके अलावा देखो, पेनक्रियास का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो आपको एज ए शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी में, और ये अपने एमपी यूनिवर्सिटी में बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना पेनक्रियास, तो उसको तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो अपने पूरे पैनक्रियास के डेवलपमेंट को समझाने से पहले मैं आपको अपना पूरा फोरगट फिर से रिवीजन करवाता हूँ। तो टोटल अपना एम्ब्रियो के अंदर आपका जो ऑरेंज से दिख रहा है ये अपना फोरगट है, फिर अपना पिंक से यहाँ पे मिडगट होता है, फिर अपना ये जो है ब्लू से अपना पूरा हाइंडगट होता है। तो सबसे पहले अगर अपन फोरगट को अच्छे से डिटेल में बात करें, तो टोटल अपने फोरगट में जो है अपने चार यहाँ पे बड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे अपना डिफरेंट ऑर्गन जो है डेवलप्ड होते हैं। अगर शुरुआत में बात करूँ तो अपने फोरगट के ऊपर की तरफ अपने यहाँ पे लंग्स के बड यहाँ पे होती है, जिसको अपन रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। और इस रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम से जो है अपना पूरा लंग्स का डेवलपमेंट होता है। इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक बड प्रेजेंट होगी, इसको अपन बोलते हैं डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड। और इस डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड से जो है वो अपने पैनक्रियास का डेवलपमेंट होता है। उसी की तरह राइट साइड में आपको यहाँ पे लिवर की बड दिखती है, गॉलब्लैडर की बड होती है, और यहाँ पे जो अपनी वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड होती है। तो टोटल मैंने आपको अपने फोरगट की सारी बड्स बता दी। देन अब मैं आपको इसका पैनक्रियास का डेवलपमेंट बताता हूँ। उसको समझने के लिए तुम्हें ये वाला डायग्राम अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो तुम इस डायग्राम में क्लियरली तुम्हें यहाँ पे फोरगट दिखाई दे रहा होगा, और उसमें टोटल अब आपको यहाँ पे ना क्लियरली यहाँ पे एक बड दिखाई दे रही होगी, उसे अपन बोलते हैं डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड। अभी जो डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड है ना, उसी से अपना पूरा ये पैनक्रियास का डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और बड प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड। उसके अलावा वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड के साइड में अपनी गॉलब्लैडर की बड होती है और अपनी लिवर की बड होती है। तो अब यहाँ पे होता है क्या है, तुम अच्छी तरीके समझो, ये जो डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड जो है उससे अपना ये जो अपना पूरा पैनक्रियाज है, उसका टेल वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट और उसके जो अपर हेड वाला पार्ट जो है वो डेवलप्ड होता है। उसके अलावा इसका रेस्ट जो है, इसके लोअर बॉडी वाला पार्ट और इसका अनसिनेट प्रोसेस, ये जो है अपना टोटल वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड से इसका डेवलपमेंट होता है। तो अब होता है क्या है एक्चुअली में, ये जो डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड जो है ये अपना टोटल प्रेजेंट रहती है अपने लेफ्ट साइड में, और वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड अपनी प्रेजेंट होती है राइट साइड में। अब तुम बोलोगे सर इसका नाम तो डॉर्सल बड है तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे अपना फोरगट का रोटेशन हो जाता है। तो फोरगट के रोटेशन के कारण अपने डॉर्सल बड जो है वो अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाती है। तो उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। तो ये पूरा एक वायर है, तो इस वायर के थ्रू तुम समझो, ये जो है अपना सी शेप का ये अपने ड्यूडेनम है, और इस ड्यूडेनम के अपने यहाँ पे डॉर्सल वाला साइड है पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको जो बड दिख रही है ये अपनी है डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड। उसके आगे की तरफ जो छोटी सी बड दिख रही है ये है अपनी वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड। तो इनिशियली में क्या होता है, अपना फोरगट कुछ इस तरीके से होता है, मतलब अपना इंटीरियर में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो वेंट्रल बड है वो अपने वेंट्रल साइड में होगा, मतलब इंटीरियर साइड में, और डॉर्सल बड इसका पीछे की तरफ होगा अपने डॉर्सल साइड में, पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा अपने डॉर्सल साइड में। तब होता क्या है, यहाँ पे अपना फोरगट का रोटेशन होता है अपना 90 डिग्री में कुछ इस तरीके से। तो इस रोटेशन के कारण अपना क्या हुआ, स्टोमक जो था वो लेफ्ट साइड में चला जाता है, ड्यूडेनम अपना राइट साइड में चला जाता है, और जो ये जो वेंट्रल बड जो है जो इंटीरियर में थी, तो जब इसका रोटेशन हुआ तो ये अपना राइट साइड में चली गई, ये वाला अपना राइट साइड है, और उसकी डॉर्सल बड जो कि आप देख पा रहे हो डॉर्सल में थी पीछे की तरफ, वो अब अपना यहाँ पे लेफ्ट साइड में चली जाती है। तो दोनों बड जो है वो अपनी अब एक्चुअल पोजिशन में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब अपना डिफरेंशियल ग्रोथ जब होती है अपने गट्स की, तो उसके कारण ये जो अपने वेंट्रल बड है ना वो भी फिर से अपने रोटेट होती है 180 डिग्री, और वो अपने फिर इस डॉर्सल डक्ट के साइड में आ जाती है। तो उसको और समझाने के लिए मैं तुम्हें ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, तो तुम्हें और से क्लियरली समझ में आएगा। तो ये तुम देखो, ये अपने डॉर्सल बड है, अपन उसको सुपीरियर व्यू में देख रहे हैं ऊपर से, और ये अपनी वेंट्रल बड है। तो वेंट्रल बड भी क्या करती है, अपनी पूरी 180 डिग्री इसका रोटेशन होता है, तुम साइड वाली पिक में देखो, और अपने पूरे 7th वीक में क्या होता है, अपने डॉर्सल और वेंट्रल बड दोनों बड अपने एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ अपने, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो डॉर्सल बड जो है उससे अपना पूरा पैनक्रियास का टेल, बॉडी और अपने हेड का अपर पार्ट आता है, देन वेंट्रल बडी अपना रोटेट करके अपने डॉर्सल वाले साइड आ जाती है, और फिर ये जो डॉर्सल वेंट्रल बड दोनों फ्यूज हो जाती हैं, और फिर वेंट्रल बड आप देखो ये जो है इसका बॉडी का लोअर वाला पार्ट बनाता है और इसका अनसिनेट प्रोसेस बनाता है। देन अब अपनी मेन चीज आती है जिसे अपन बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट्स। टोटल आपको पता है अपने पैनक्रियास में दो डक्ट्स होती हैं, आप नीचे वाले डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हो, एक इसकी होती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, दूसरी इसकी होती है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसकी डेवलपमेंट को समझने के लिए तुम्हें मेनली इसका लोकेशन पता होना चाहिए, तुम डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली बता दोगे। तो सबसे पहले जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है इसको तुम देखो,
ये तो कहाँ से शुरू हो रही है, अपने टेल वाले रीजन में शुरुआत इसकी हो रही है, फिर ये अपनी बॉडी में आती है, देन फिर ये अपने हेड वाले रीजन में आती है, देन फिर वो है अपनी नीचे की तरफ डिसेंड करती है अपने लोअर वाले हेड में, और फिर टोटली फिर जो है अपने ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो जाती है एज ए मेजर पेपिला के फॉर्म में। तो टोटल अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसका टेल से लेकर यहाँ पे इसके हेड के अब इसके टेल से लेकर इसके बॉडी वाला पार्ट, जितना भी इसका पार्ट जो है ये अपना कहाँ पे आ रहा है, ये अपना आ रहा है पैनक्रियास की मेन बॉडी में। और आपको पता है अपने पैनक्रियास की मेन बॉडी टेल कहाँ से बनती है, वो अपनी बनती है डॉर्सल बट से। तो अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का आधा पार्ट जो है वो अपनी डॉर्सल बट से आता है, और उसका जो नीचे वाला पार्ट जो है जो कि अपना लोअर हेड के अंदर है, अपना आपको पता है लोअर हेड कहाँ से बनता है, वो अपना बनता है वेंट्रल बट से। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट जो है जो कि अपने लोअर हेड के अंदर आ रहा है अपने मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का, वो अपना फॉर्म होता है अपने वेंट्रल बट से। तो टोटल अपनी जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो अपने दोनों बट से मिलकर बनती है, इस एक अपने डॉर्सल बट से और फिर अपने अपने वेंट्रल बट से। और फिर अगर आप एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट देखते हो तो वो सिर्फ अपने हेड के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, और आपको पता है अपना हेड का अपर पार्ट किससे बनता है, वो अपना बनता है डॉर्सल बट से। तो अपना पूरा जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो अपना सिर्फ डॉर्सल बट से आती है। तो मैंने सारे इसको आपको डक का डेवलपमेंट बता दिया, देन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको तीनों डायग्राम जो है इसके पूरे शो करने पड़ेंगे, जिसमें पूरा अपना जो है अपने डॉर्सल वेंट्रल डक्ट से अपन पूरा पैनक्रियास बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको मेरे क्या यहाँ पे रफ में नोट्स दिखा देता हूँ, कुछ आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं तो रफली सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ, तुम क्या करना बाद में इसको और एक्सटेंड करके लिख देना। तो टोटल आप लिख देना जो अपना पैनक्रियास जो है वो अपनी दो एंडोडर्मल बट से इसका डेवलपमेंट होता है, डॉर्सल बट से और अपना इसके वेंट्रल बट से। उसके बाद फिर तुम यहाँ पे पोजीशन दिखा देना। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट इनिशियली में अपने वेंट्रल साइड में रहती है, डॉर्सल वाली अपनी डॉर्सल साइड में रहती है। बट जब अपना रोटेशन जब होता है अपने फोरगट का, तब ये जो वेंट्रल जो पैनक्रियाटिक बट थी वो अपने राइट साइड में आ जाती थी और डॉर्सल वाली अपने लेफ्ट साइड में आ जाती थी। देन उसके बाद क्या होता था, जब अपनी डिफरेंशियल ग्रोथ होती है जब अपनी गट की, तब अपनी जो वेंट्रल पैनक्रियाटिक बट जो है प्लस अपनी बाइल डक्ट, ये दोनों की दोनों अपनी लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाती थी 180 डिग्री और अपनी फ्यूज हो जाती थी अपनी डॉर्सल पैनक्रियाटिक बट से। उसके बाद फिर तुम पूरा यहाँ पे डेरिवेशन, उसके बाद तुम यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट लिख देना कि अपना वेंट्रल बट से अपना क्या आता है, अपना लोअर हेड आता है और अनसिनेट प्रोसेस, और डॉर्सल वाले से अपना अपर हेड नेक बॉडी और टेल वाला रीजन का डेवलप होता है। देन उसके बाद फिर तुम दोनों इसकी डक्ट्स का डेवलपमेंट भी लिख देना, किसी जो इसकी जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो अपना इसका डॉर्सल वाला पार्ट जो है वो अपने डॉर्सल बट से डेवलप होता है, और उसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट अपना वेंट्रल बट से डेवलप होता है, और जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो पूरी अपने जो है डॉर्सल डक्ट से इसका डेवलपमेंट होता है। तो कुछ इस फॉर्म में तुम इसको जो है अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये जो मेरे रफ नोट जो है ये भी मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसकी लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम की, या फिर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके वो डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स। और तुम्हें फिर मैं बता चुका हूँ कि सारे जो है डायग्राम तुम्हें बना के आने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना पैनक्रियास का डेवलपमेंट लिखना है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली रोटेशन ऑफ गट के ऊपर, और उसका वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा।